अगली ठंड आईआईटी में बनाएंगे सर, इस बात का संकल्प कर लीजिए और इस ठंड में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं एकदम त्याग दीजिए, बस जो आप कर रहे हो उसकी इनपुट बढ़ा दीजिए और मेहनत कीजिए। प्रणाम 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 गुरुजी। यस थैंक यू बेटा, थैंक यू शिष्य जी, प्रणाम बेटा प्रणाम, नमस्कार नमस्कार देवियों और सज्जनों। आज हम बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 12 की। हाँ, मौसम थोड़ा सा सर्दीला है, ठंड आ चुकी है, काफी दिन भी हो गए ठंड आए हुए। सर आजकल तो बहुत भयंकर आ चुकी है। हाँ, रजाई से पैर बाहर गया नहीं कि वापिस अंदर, जैकेट भी सर हमने हाथ अंदर ही रहते हैं। यस बहुत बढ़िया, ठीक है। और इस ठंड वाले मौसम में, मस्ती वाले मौसम में, आलस वाले मौसम में गरम गरम चीजें खाने की जगह और सर खूब देर तक सोने की जगह हम बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। नहीं, ये कमरा जो है दिस इज एयर टाइट, इसमें एयर को टाइट कर दिया जाता है, एकदम पेटी पैक कमरा है बेटा। हाँ, यहां पर ठंड नहीं लग रही है, ऑल्दो थोड़ा थोड़ा एसी चलाया गया है ताकि टेम्परेचर मेंटेन किया जाए, ठीक है। कमरे से बाहर जब हम निकलेंगे स्टूडियो से तब जाके असली प्रकोप ठंड का दिखाई देगा। दिल्ली की सर्दी भैया भयंकर। तो सर आपका जैकेट कहां है? अबे भाई ये रहा, ये रहो जैकेट, अभी क्यों नहीं पहना सर आपने? एक्सप्लेन इन टू वर्ड्स, मेरी मर्जी। अबे गर्मी लग रही है महाराज, यहां कमरे के अंदर पेटी पैक है ना मामला, इस वजह से, ठीक है, इस वजह से। समझ गए कि नहीं समझे? एक बोल रहा सर पहन लो। अरे यार ऐसा नहीं। हाँ ठीक है सर, आज जल्दी छुट्टी कर देना, मम्मी ने पकोड़े बनाए हैं। अरे वाह, घर का एड्रेस भेज तुरंत, मैं भी आ रहा हूं, पैकअप करते हैं यहां से फटाफट। सर्दी खाएंगे, सर्दी क्या खाएंगे, पकोड़े खाएंगे सर्दी में। तो मैं क्या बोल रहा था कि यहां सर सर्दी में खूब देर तक सोने की जगह, गरम गरम चीजें खाने की जगह हम जो है वो अपने आप को गरम रखते हुए पढ़ाई कर रहे हैं। यस ठीक है, इस सर्दी का कुर्बान कीजिए और आगे आने वाली जितनी भी सर्दियां हैं उनमें एंजॉय कीजिए। समझ में आया? बस यही तो है, एक ही पार्ट तो सेक्रीफाइस करना है, अगली बार से सब सही हो जाएगा। मतलब जब आप आईआईटी में होंगे, जस्ट इमेजिन योरसेल्फ कि आप अगली साल इस वक्त कहां होंगे, थोड़ा सा इमेजिन करो, वहां से एनर्जी आएगी और उस एनर्जी से आप पॉजिटिव फील करेंगे, बिलीव मी। सर कहां होंगे अब जो इमेजिन करेगा अपनी अपनी डेडिकेशन और अपनी अपनी औकात के हिसाब से करेगा। एक बोल रहा है कि सर मैं तो आईआईटी दिल्ली के हॉस्टल में होऊंगा क्योंकि सर 4:15 बजने को आए हैं, सॉरी 5:30 बजने को आए हैं, तो कॉलेज की तो छुट्टी हो चुकी है, तो इस वक्त मैं हॉस्टल में होऊंगा और सर्दियां हो रही होगी तो अपने लैपटॉप पे बढ़िया कोई मूवी या कोई गेम खेल रहा होऊंगा, अपने दोस्तों के साथ चैटिंग कर रहा होऊंगा, बातें कर रहा होऊंगा, रिलैक्स होऊंगा। समझ में आया ना? तो उस वक्त आप बिल्कुल टेंशन फ्री होंगे, बिल्कुल टेंशन फ्री, अपने जिंदगी के बहुत हाईएस्ट मुकाम पे आप होंगे। और अगर आप ये चीज फील करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है बेटा जी, बस जो आप कर रहे हो उसकी इनपुट बढ़ा दीजिए और मेहनत कीजिए, बिलीव मी। अगली साल हम लोग कहां होंगे, मतलब आप लोग आईआईटी दिल्ली के कॉमन रूम में, हॉस्टल में, या फिर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, है ना, या फिर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेल रहे होंगे, या फिर मार्केट में सर चाय समोसा। और सर और कहां हो सकते हैं? अगर किस्मत आपकी फर्स्ट ईयर में बहुत जोरदार रही तो घूमने फिरने भी गए होंगे कहीं ना कहीं, मॉल वॉल में। समझ पा रहे हो मेरी बात? यस। तो ये जो जिंदगी आपने अभी थोड़ी डेल्टा सेकंड्स के लिए इमेजिन की, दिस इज पॉसिबल और ये होगा, बिलीव मी, बट अगली साल होगा, ठीक है, हाँ है ना? तो प्लीज अच्छे से अच्छे से। एक पूछ रहा है किसके साथ, मैंने बोला किस्मत ठीक रही, हाँ वहां पे अंटर पंटर भी है और अंटर पंटरी भी है, अब तुम देख लो कि तुम्हारी पटरी किसके साथ बैठती है। हाँ, दैट डिपेंड्स ऑन योर एफर्ट्स जो आप कॉलेज के बाद में जाके लगाएंगे, अभी से मत लगाइए वो एफर्ट्स, ठीक है, क्योंकि अभी से लगाओगे तो अभी से अगर लगाओगे तो अगली साल सेम कोचिंग में एडमिशन लें क्या? नहीं, मैं तुम्हारे साथ एडमिशन नहीं लूंगी, पिछले साल भी मेरा पूरा साल तुमने बर्बाद कर दिया, चलो भैया यहां से निकलो, ये सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है, अभी एफर्ट ना लगाइए। यस यस और नो? बिल्कुल सही, अगली ठंड आईआईटी में बनाएंगे सर, इस बात का संकल्प कर लीजिए और इस ठंड में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं एकदम त्याग दीजिए। क्या आप लोग तैयार हैं? यस सर। तो मैंने आपको मोटिवेट कर दिया है,